गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। ओ शांति। फिर चलो आगे। एक चीज विशेष है जो अभी तक आपने नहीं सुनाई और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो 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 पांडव बोलो 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 हाँ सेवा और बोलो वो मूल चीज है मूल हाँ। बाबा की एक मुरली है अव्यक्त बाप दादा की जिसमें बाबा ने कहा है कि दिनचर्या को मेंटेन करना रेगुलरिटी से इसका नाम प्यूरिटी है। अगर नहीं करते तो बाबा ने कहा अपवित्रता है। जब मैंने ये मुरली पढ़ी थी कुछ 4-5 साल पहले जब मैंने ये मुरली दोबारा पढ़ी तो दिमाग घूम गया कि अगर हम दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो अपवित्रता है। क्यों अपवित्रता है? क्योंकि जब हम दूसरे रास्ते से टेढ़े बांके में चलते हैं एक्यूरेट नहीं चल रहे। क्यों एक्यूरेसी नहीं है? जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर माइंड एक्यूरेट है तो दिनचर्या एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर माइंड एक्यूरेट नहीं है तो दिनचर्या में गड़बड़ होगी। हमने ब्रह्मा बाबा को कभी भी दिनचर्या से कॉम्प्रोमाइज करते नहीं देखा है। मम्मा को कभी भी दिनचर्या से कॉम्प्रोमाइज करते नहीं देखा है। मम्मा सवेरे अपने कमरे से निकलती थी तो दादियां बताती मम्मा का चेहरा चमकता हुआ चंद्रमा की तरह सूर्य की तरह नजर आता था लाल लाल कि मम्मा ज्ञान मंथन करती थी। और ज्ञान मंथन करके बच्चों को सुनाती थी। कभी मम्मा ने ऐसा किया हो? इतना बाबा की दिनचर्या में एक्यूरेसी थी कि चिड़िया भी सीख गई थी। चिड़िया ठीक वक्त पर झोपड़ी में पहुंच जाती थी। है ना कहा है? हाँ? बुलबुल भोग पर आई। तो अपने वाइब्रेशन का अपनी रेगुलरिटी पर भी पड़ता है। हमारे जीवन में रेगुलरिटी एक चीज दी है। रेगुलरिटी ही डिसिप्लिन है। क्या सुना? रेगुलरिटी ही डिसिप्लिन है।